शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अब मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालूंगा, तुम खुद ये घर छोड़कर जाओगी, वो भी कल सुबह तक। कल तो क्या आप है, मैं इस घर से तब तक नहीं जाने वाली जब तक आपकी याददाश्त पूरी तरह से वापस नहीं आ जाती। घर से भगाने के लिए अब आप ये सब करेंगे अभय, लेकिन मैंने भी बहुत पहले ही ठान लिया था कि आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तो अब आप कोशिश ही करते रहिए। भाभी क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना? हाँ वो कोई बुरा सपना देख लिया था। श्रद्धा जिसने जिंदगी में ही इतना कुछ देख लिया उसका साथ सपने क्या ही देंगे। बहुत तेज लड़की है, मेरे परिवार को पलटी मार के अपनी साइड ही कर ली, अब तो और नहीं टिकने दूंगा इसे। बुआ जी वक्त बुरा हो या अच्छा, जब तक आप लोगों का साथ मेरे साथ है मुझे किसी बात का डर नहीं। कीर्ति, हम सोच रहे थे कि इस बार दिवाली की सफाई के लिए ना हम सब एक एक कमरे का जिम्मा उठा लेते, तो फिर सफाई भी जल्दी से हो जाएगी। और अब ख्याल तो अच्छा है माँ, पर हमारे पास ना बिल्कुल भी वक्त नहीं है। पता नहीं कहाँ से हर दिन ये नए नए अपराधी पैदा हो रहे हैं और पूरा का पूरा केस हमारे सर पे है। वरुण जी अगर आप थोड़ी मदद। अरे मम्मी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, पिछले दो साल से वैसे भी मैं ही कर रहा हूँ, इस साल भी कर लूंगा। पर बेटा आपका भी तो दफ्तर का काम होता है ना। मैं आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा। देख तो हम रहे सब कुछ भाभी, अब ये आपकी सिर्फ बहुरानी नहीं अफसर बहुरानी है। बुआ जी हम भी अब थोड़े बदल गए, वो आप भी बदल जाइए, कोई मौका ही नहीं छोड़ती हम पे ताना सुनाने का। लो बताओ कमाल हो तुम, एक तो हम तुम्हारा साथ दे रहे हो ऊपर से तुम हमें ही ताने दिए जा रही हो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे सुबह सुबह इतनी भूख लग गई कि मुझसे इंतजार ही नहीं हो पा रहा था ताई जी। ठीक है तो ये ले, पहले तू ही ठूस ले, खा ले। हाँ इंतजार तुम्हारी दीदू कर रही होंगी इसका, और इससे कहाँ से इंतजार होगा नाश्ता बनने। अरे रे रे माफ कीजिएगा भाभी जी, इतनी मान हस्ती हमारे बीच और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। साष्टांग दंडवत प्रणाम भाभी जी, आपकी आज्ञा हो तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ आपके चरण स्पर्श के बाद अगर आ गया हो तो हमारा पैर छोड़ो। अबे पागल हो गया उठो।
आपकी आज्ञा हो तो परांठा खा लूं मैं। वैसे किसकी बात कर रही थी आप? हमारी दीदू के बारे में। अभी ये दीदू कौन है और कहां से टपक गई? तुम्हारे कोमा में टपकने से पहले हमारी दीदू इस घर में टपक चुकी थी। अरे हाय, सुबह सुबह किसका नाम ले लिया, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। वैसे भी भाभी आपकी वजह से उसे बर्दाश्त करता हूँ मैं इस घर में, वरना उसके हाथ का बना खाना मेरे लिए जहर है। और वैसे भी ना, ताई जी के हाथ के बने परांठों से ऊपर कुछ भी नहीं है। माता रानी, अब बस जल्द से जल्द हमारे अभय को सब याद आ जाए और सब पहले जैसा हो जाए, क्योंकि इसके भोलेपन में कहीं हमारी श्रद्धा दूर ना हो जाए। सब ठीक हो जाएगा पापा जी, हम डॉक्टर माथुर के पास इतने सारे पेशेंट्स हैं, ऐसे में उन्हें एक महीने के लिए जाना पड़ रहा है तो हम उन्हें रोक तो नहीं सकते ना। हाँ बेटा, लेकिन दो साल से डॉक्टर माथुर ही देख रहे हैं, कल कुछ ऊपर नीचे हो गया तो? नहीं पापा जी, डॉक्टर माथुर जिन्हें अपॉइंट करके गए हैं वो भी अभय जैसे कई सारे पेशेंट्स को डील कर चुके हैं, और ये डॉक्टर भी डॉक्टर माथुर के असिस्टेंट रह चुके हैं। भाभी, और वो नए डॉक्टर कब तक आएंगे? जल्दी ही उनका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। माता रानी, चाहे कोई भी डॉक्टर है, बस हमारे बेटे को पूरी तरह से ठीक कर दे। अभय को कुछ भी याद आ गया तो मैं इंसानियत फिर से भूल जाऊंगा। डॉक्टरों की भले ही लाइन लगवा दूं श्रद्धा, अभय की याददाश्त वापस नहीं आने दूंगा। अब माँ, हम निकलते हैं, आज बहुत काम है तो हमें लौटने में ना थोड़ा वक्त लग जाएगा, और सुबह सुबह एसपी सर को रिपोर्ट भी करनी होती है। ठीक है, मैं भी निकल ही रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ। अरे ये क्या है? सब्जियां है भैया जी। अच्छा, मुझे लगा कबाड़ है। अरे मुझे भी दिख रहा है सब्जियां है, पर यहाँ क्यों लेके आया? किसने बुलाया तुझे? मम्मी मम्मी, क्या हुआ? इसको आपने बुलाया क्या? नहीं, हमने नहीं बुलाया, हम तो कल ही सब्जियां लेकर आए हैं। वैसे भी इतनी सारी सब्जियों का हम करेंगे क्या जब घर में लोग ही तीन चार हैं? और नहीं तो क्या, बड़े बड़े सब्जियां सड़ जाएगी और पैसे बर्बाद होंगे। अरे आंटी जी, पैसे ले कौन रहा है आपसे? अरे क्या मतलब? मैडम हमारे लिए दिन रात इतनी मेहनत करती है, हमारा इतना फर्ज भी नहीं बनता क्या कि उनके लिए चार सब्जी दे सके? बताइए। हाँ हाँ बताइए। अब आने दानी का कहर देखो ना पूरे, मेरा मतलब है कि आज कच्ची सब्जियां आई हैं फ्री में, कल पका हुआ खाना भी आ जाएगा फ्री में। वाह भैया, आपने क्या बात बोली है, अरे जाइए जल्दी से टोकरी ले आइए। अरे बुआ जी, क्या हमारी अफसर रानी। वैसे आपने कहा था पैसे तो आप नहीं लोगे ना? अरे आंटी जी, अगर पैसे मांगे तो हमारी जुबान काट लीजिएगा, पुलिस वाले हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, चार सब्जियां नहीं दे सकते क्या हम इन्हें? आप यूं समझ लीजिए कि हम अन्न चढ़ा रहे हैं इन पर। कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है यहाँ कोई भी चढ़ावा चढ़ाने की, मुफ्त का सामान बांटने का इतना ही शौक है तो किसी गरीब में जाकर बांट दो, पुण्य मिलेगा। हाँ, और जैसा कि मम्मी ने कहा है, हम अपने घर के लिए सब्जियां ला चुके हैं, इन सब्जियों की हमें कोई जरूरत नहीं, इसलिए टोकरी उठाइए और आप भी निकलिए घर से। कम से कम प्याज ही रख लेते, 80 रुपए किलो है। हमको क्या ताक रहे हो, हमने मंगवाया था, नहीं ना, चलो लेके जाओ लेके जाओ जाओ। लो, फिर भी छोड़कर चला गया। मानना पड़ेगा थानेदार भाभी जी, मोहल्ले में आपका खौफ तो है, चाहते ना चाहते हुए भी आपके एक इशारे पर अपनी टोकरी वहीं छोड़ गया। सुनो ना, तुम्हारी फालतू बात के लिए ना हमारे पास वक्त नहीं है, हम निकल रहे हैं।
पुलिस में तुम्हारी बहन, और ऑर्डर तुम दोगी? तुम एक सिर्फ किराएदार नहीं हो, यहाँ की मालकिन नहीं। मैं इस घर में रहूं, दूसरों के घर में रहूं, या फिर सड़क पे रहूं, जब भी कुछ गलत होता हुआ देखती हूँ वो बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ओहो, आई बड़ी रानी हरिश्चंद्र, कल तो बहुत आसानी से झूठ बोल दिया था तुमने, आज ज्ञान दे रही हो मुझे। श्रद्धा, किस तरह से कचरे का ढेर बना रखा है अपने कमरे को, इस तरह से सामान फैलाकर कौन रहता है? खैर, मैं इस बात पे ध्यान नहीं दे सकती, मुझे अपनी जरूरी फाइल लेनी है, जल्दी से अपना काम कर लेती हूँ, वरना अभय ने मुझे यहाँ पर देख लिया ना तो कोई ना कोई बवाल जरूर खड़ा कर देंगे। दो तीन दिन के इनको अकेले छोड़ा मैंने, पूरा पूरा अलमारी तहस नहस करके रख दिया है, ऐसे में क्या ही मिलेगा इसमें? दानी भाभी को बुलाओ, मेरे कमरे में चोर घुसाई है। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे भोले पापा ने तुम्हें रहने के लिए कमरा दिया, वो तुम यहाँ चोरी कर रही हो? जी, आपको शर्म नहीं आती है क्या? जिस घर में इतनी औरतें रहती हैं, उस घर में आप ये तौलिया पहन के मजे से घूम रहे हैं? मेरा घर, मेरा कमरा, मेरा तौलिया, मेरी मर्जी। हाँ तो ऐसे घूमने का शौक है ना तौलिये में, तो कम से कम कमरे का दरवाजा बंद कर लीजिए। वो क्या है ना मैडम, मुझे नहीं पता था पापा ने किराएदारनी के नाम पे चोरनी रखी है घर पे। मुझे भी यहाँ पे कमरे में आने का कोई शौक नहीं, वो तो मेरी एक इम्पोर्टेंट फाइल यहाँ पे थी, वो लेने के लिए आई थी मैं। बिना मेरे से पूछे मेरी अलमारी में हाथ डालोगी तुम? तो ठीक है, अब आपसे परमिशन ले लेती हूँ, अपनी फाइल ले लूँ मैं। किस्मत की लकीरों से मेरे कमरे में घुसा है, इसे तो मैं खुद घर से बाहर फेंकूं। ये क्या? ये अभय भी ना? लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं। सबसे पहले तो इस चादर को बदलूं मैं। Ah!
खुश। लाश नहीं बुआ जी, आपके अभय की करतूत थी ये। लो बताओ, ये हमारा अभय, हमारा नहीं, ये तुम्हारा शरारती अभय। ये किसी दिन ना मजाक मजाक में हमें दिल का दौरा पड़वा के हमारे लाश गिरवाएगा। वही तो बुआ जी, इस तरह की हरकत करने की कोई सोच भी कैसे सकता है? सोच ही तो नहीं रहा वो तुनक रहा है। और ऐसे मस्करे लोगों को ना या तो झेलो, यहाँ तो उन्हें ऐसा मजा चखाओ कि उन्हें उनकी नानी याद आ जाए। अब अभय को मजा चखाने का वक्त आ गया है। भाई वक्त तो ऐसा आ गया ना कि मजा ही आ गया। जिस तरह से किरायेदानी की जान निकली होगी ना जब पुतला उसके ऊपर गिरा होगा, फटाक। अबे पागल हो गया क्या? ये क्या बच्चों जैसे हरकतें कर रहा है तू? जो मैं सोचता हूँ ना वो करता ही है, और जो मैं ठान लेता हूँ ना वो तो मैं करके ही बैठता हूँ। और मैं ठान चुका हूँ श्रद्धा को अपने घर से निकलवा के ही रहूंगा। श्रद्धा भी कब तक सहती रहेगी इसकी हरकतें, क्योंकि ये तो रुक नहीं सरा। हे भगवान उसे ही थोड़ी शक्ति देना। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? तुझे डर क्या होता है? सोता सोता मेरे Ha 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 ha!
शक्ल देखो इसकी, आंखें ना फटी की फटी रह गई। तुम्हें क्या लगा कि श्रद्धा में कोई चुड़ैल चढ़ गई है? नहीं, कोई चुड़ैल नहीं थी वो हम लोग। ये क्या भद्दा मजाक है? अच्छा, ये आपको भद्दा मजाक लग रहा है? और जो कमरे में आप बिल्कुल मुझे ऐसे ही डराने के लिए आए थे, वो भद्दा मजाक नहीं था? क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? झूठ मत बोलिए, मुझे अच्छे से पता है वो आप ही थे। क्या इधर तूने श्रद्धा के साथ ऐसा किया? और मजाक, और क्यों मेरे किराएदार को भगाने की कोशिश कर रहा है? पापा, आज ये लड़की आपको ज्यादा करीब होगी मुझसे। और आप सब पे कौन सा जादू टोना कर दिया इस लड़की ने, जो आप मेरा साथ नहीं दे रहे हो, इस लड़की का साथ दे रहे हो? भूल गए क्या 10 साल का मुझे कुछ याद नहीं है इस लड़की की वजह से? बस बहुत हो गया, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता इस घर में। खुद धक्के मार के बाहर निकालूंगा। मेरे घर वालों को मेरे खिलाफ कर दिया ना, पिछली बार भी तुम्हारी वजह से मुझे पूजा में निकम्मा निकट्ठू पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा था। कुछ भी बुरा नहीं हूं मैं। अब आपको सब याद है? कुणाल, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।